हेलो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको प्याज भाव और प्याज से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। प्याज हर घर में यूज किया जाता है और हर सब्जी में इसे यूज किया जाता है। प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल भारतीय घरों में किया जाता है। कई दिनों तक घर में रखा रहने पर प्याज खराब हो जाते हैं। जानिए प्याज को स्टोर करने का बेस्ट तरीका क्या है, कि क्या सावधानियां बरतकर आप प्याज को लंबे समय तक 6-6 महीने तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। बिना प्याज के तो कोई सब्जी बनती ही नहीं है, या फिर सलाद के रूप में खाना हो। ऐसे में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से लोग इसे बाज़ार से अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं, ताकि बाज़ार बार बार जाने के झंझट से आराम मिल सके। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई दिनों तक घर में रखा रहने के पर इनकी रंगत और स्वाद दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप 1-2 नहीं 6 महीने तक आप प्याज को सुरक्षित रख सकते हैं। प्याज की ख़राब होने की वजह होती है नमी या पानी के संपर्क में आने से, सीधे धूप के संपर्क में आने से, या फिर गर्म जगह पर हम प्याज को रख देते हैं तो यह ख़राब हो जाता है। प्याज को हमेशा ऐसी जगह पर स्टोर करें जहाँ नमी या और पानी ना आता हो। हल्के से भी पानी में संपर्क में आकर प्याज खराब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं। आप प्याज को पेपर बैग्स में भी स्टोर रख करके रख सकते हैं, लेकिन इस बैग में छेद ज़रूर होना चाहिए। अगर यदि आपके पास बैग नहीं है तो आप ऐसे एक कागज़ के बैग को लेकर उसमें छेद करके रख सकते हैं। प्याज को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए हमेशा इसे ठंडी जगह पर स्टोर करें। अगर ठंडी जगह पर स्टोर नहीं करेंगे तो प्याज सड़ने लगेंगे। प्याज को प्लास्टिक की थैली में रखने के बजाय उसे एक टोकरी में रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि नमी आ जाने से प्याज की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अगर आप प्याज टोकरी में स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो उसे आप एक नेट बैग या बांस के कंटेनर का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ इसमें अच्छी हवा प्याज को लगती रहेगी। तो ये सावधानी बरत कर आप लंबे समय तक प्याज को रख सकते हैं।